बधाई है।
ओम ज्ञान तिमिरां दस्स ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बार जोर करके बोलो बोलो हरे मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रीला माधव महाराज श्रीला बन महाराज श्रीला नरसिंह महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं क्योंकि श्री पुरुषोत्तम मास में और भगवान पुरुषोत्तम की कथा और श्री पुरुषोत्तम धाम में और श्री पुरुषोत्तम के भक्तों के मुखारविंद से हमें ये भागवत कथा सुनने को हमें जो मिल रहा है ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहते जो श्रीमद् भागवत कथा है श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले स्वर्गे सत्य चतयासे वैकुंठे नास्ते अमरस। इसका तात्पर्य है आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने का मौका नहीं मिलता है। आप लोग सुने होंगे जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये भागवत कथा सुना रहे थे जिन जिन देवताओं को हम पूजा करते हैं अपना घरों में 33 करोड़ देवता पूरा के पूरा अमृत कलश लेकर के आ गए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले और परीक्षित महाराज को पिला दो वो अमर हो जाएगा लेकिन ये जो भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते को कांच को मणिर महान वो उदाहरण देते हैं अगर कोई कांच के टुकड़े दे करके बोले आपका मणि हमें दे दो कोई दे देगा नहीं देगा। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा की भागवत कथा नहीं कभी कृष्ण स्वयं ही कहते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टादृशा मेष पुराण अर्क धुनावदित। भगवान जब ये संसार छोड़कर चले गए उसी समय में कृष्ण स्वयं उद्धव जब पूछे बोले प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो अभी मैं किसका सहारा लूं। कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ लेकिन ये जगत में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। बोले प्रभु आप किस रूप में रहोगे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये जो भागवत ग्रंथ है ये ग्रंथ नहीं बोले तेन अयम बांगमयी मूर्ति भगवान स्वयं सप्त ब्रह्म रूप में ये ग्रंथ रूप में विद्यमान हम कथा नहीं सुन रहे हैं साक्षात भगवान से ही हम मिल रहे हैं।
ठाकुर जी से हम साक्षात मिल रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग में देवता लोग देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य है हम देव लोग से भी ज्यादा सौभाग्यवान है। सुखदेव गोस्वामी कहते देवता की बात छोड़ दो, बोले स्वर्ग सत्य च सत्य मतलब जहां पर पितामह ब्रह्मा जहां पर जन्म हुए, कदे ब्रह्म लोक में भी भागवत कथा नहीं। इसलिए अगर इस जगत में कहीं कथा होता है, गोस्वामी जी कहते हैं बोले कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना बिहाई, सुनी बत सार दे आप जी। ये कहां से आप लोग कहां से आए हो? मथुरा से ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 इससे तो ज्यादा नहीं, हम लोग तो 10 किलोमीटर से आए। कोई कोई दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर से आए होंगे, लेकिन यहां से ब्रह्मलोक कितना दूर है? करोड़ों किलोमीटर होगा। लेकिन अगर ब्रह्मा जी को पता चलता है कहीं भागवत हो रहे हैं, बोले धाई धाई मतलब किया, अगर कहीं हमारे लाख रुपया का प्रॉफिट ही हो ना, फिर भाग भाग कर जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहां से आते हैं? ब्रह्म लोक से कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके आते। बोले क्यों? बोले उनको पता है ये भागवत से जो लाभ होने वाले हैं और किसी चीज से भी हमें उतना लाभ होने वाले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक त्याग करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ब्रह्म लोक की बात ही छोड़ दो, पर ये कथा कैलाश से कभी कैलाश लोक में भी नहीं ये कथा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं एक बार तृतीया युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। रामायण की कथा सुने होंगे, जब स्वयं शंकर जी सती कथा सुनने के लिए आए थे, बोले कहां पर? बोले अगस्त ऋषि के चरण में बैठ करके। बोले कहां से? बोले कैलाश लोक से कथा सुनने के लिए आए थे। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, जो कथा है बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, ये कथा वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गया वो गरुड़ जहां भूस ए भूसोता, गया वो गरुड़ जहां भूस ए भूसोता, राम चरणती भक्ति असंता, गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में। अगर गरुड़ जी को पता चले कहीं कथा हो रही है, वो कहाँ पर आते हैं? बोले श्री कहाँ को भूषण जहाँ नीलगिरी पर्वत पर में बैठ करके जहाँ भगवत कथा करते हैं, वैकुंठ छोड़ करके गरुड़ जी आते हैं कथा सुनने के लिए। देखो इससे ये समझिए आज हम कितने सौभाग्यवान हैं। देवताओं को कथा सुनने के लिए देवलोक को त्याग देना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक को त्याग देना पड़ा, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए कैलाश त्याग देना पड़ा, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ त्याग देना पड़ा। लेकिन मथुरा वासियों को कथा सुनने के लिए कुछ घर त्याग दिए हो क्या? कुछ छोड़े हो? नहीं, कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते हमारी घर पर सामने आ गई और हम घर में बैठी बैठी करके कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। समझो हम लोग ये पुरुषोत्तम महीना में ये कथा इसलिए इस महीना की महिमा आता है, विशेष करके इसी महीना में ये जो भागवत कथा की इतने महत्व है, इतने महत्व कथा सुनने की जिसका कोई कुल किलारा नहीं, बहुत महत्व है कथा सुनने का। और कहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं? बोले श्री पुरुषोत्तम धाम श्री कृष्ण का जन्म स्थान, और विशेष करके जहाँ पर हमारे बड़े गुरु जी परम गुरुदेव जहाँ भजन किया और जहाँ पर बड़े बड़े वैष्णव को भजन कर रहे हैं, फिर राधा विनोद विहारी को सामने, समझो
लड्डू ही लड्डू है, एक हाथ में लड्डू नहीं, दोनों दोनों हाथ में ही ये लड्डू ही लड्डू है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। क्या व्रत रखे हो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए आज हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कल जन्म हुए हैं, अब कृष्ण जन्म उत्सव के बाद में हम लोग भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते कृष्ण का जो मधुर लीला है, जो बाल्य लीला है, अद्भुत है। आप लोग सुने होंगे जब भगवान जन्म हुए, शंकर स्वयं कृष्ण के बाल चरित्र को दर्शन करने के लिए भोले बाबा स्वयं कहाँ छोड़ करके आते हैं, कैलाश छोड़ करके स्वयं भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। लेकिन मैया यशोदा ने दर्शन नहीं दिया, बोले मेरे लाला को नजर लग जाए वो, हाँ वैसे ही मेरे लाला तो जल्दी डर जाता है, तू ऐसे वेश धारण करके आए हुए जिसको देख करके मेरा जी घबरा रहा है, और मेरे लाला दर्शन करेगा तो फिर डर जाएगा, तो रात भर रोएगा सोएगा नहीं। फिर मैया यशोदा काले कपड़े से ओढ़ करके बड़ी बड़ी मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का तिलक लगा दी, काजल काली कपड़ा ओढ़ करके बड़े कष्ट से मैया यशोदा लाला को लेकर के आती है। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, तू बात नहीं सुनता, दर्शन करना है ना, ले दर्शन कर। तो बोले एक झलक दर्शन कराया, किसको दर्शन कराया, जो एक सत्यम शिवम सुंदरम, जो देव देव महादेव, केवल एक झलक दर्शन करके अपना जीवन धन्य हो गया। अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, लेकिन जब शंकर जी को दर्शन कराए ना, क्योंकि कृष्ण अपना दर्शन देना चाह रहे थे, शंकर तो इतने में रोने लग गए, कन्हा तो खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया यशोदा समझ गई बाबा कुछ जादू करना चाहता है, अभी तक तो लाला रो रहा था लेकिन इनको दर्शन करते ही ये तो खिलखिला करके हंसने लग गए और शंकर जी रोने लग गए, मतलब अपना हंसना देख रहे लाला का रोना ले गया, बाबा जादू जानता है। बोले बाबा लगता है तेरे को कुछ जादू टोना आता है। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले एक काम करियो, एकदम नजर लगेगा कि नहीं, बोले बता दे। बोले जब लाला को तुम स्नान कराती हो, उसका चरणामृत ला करके मेरे सर पर डाल दे, मेरे को दे देना। बोले बाबा सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले अगर और एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगी। बोले बता दे। बोले लाला को जो भोग लगाते हो, भोग लगाने का बाद प्लेट में जो बच जाएगा उसको मेरे को दे देना। बोले लाला बाबा सो कर लूंगा। अभी भी नंदगांव में जाओगे, वहां पर आशीश्वर, वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव है। जब भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान की चरणामृत ला करके शंकर के सर पर डालते, क्यों? शंकर जी के सर पर गंगा, गंगा कौन है, वामन देव का चरणामृत है। इसलिए फिर जब भगवान को कोई चीज भोग लगे वो प्रसाद है, लेकिन जब भगवान के भक्त को भोग लगता है फिर प्रसाद नहीं, फिर तो वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए अभी भी वो धारा कंटिन्यू रूप में अभी भी आ रही है। अभी लाला धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने बड़े हो गए, बोले जब कृष्ण करवट लिया, जब कृष्ण करवट लिया। मैया यशोदा सोची मेरे लाला का शरीर में ताकत आ गई है, अभी 3 महीना के लाला हो गया है, आज लाला ने करवट लियो है, आज करवट लेने का आज हम घर में उत्सव मनाएंगे। सब ब्रज भूमियों को उन्होंने बुलाए, बुला करके घर का सारे सामान को लेकर के एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया, और लाला को अभी गोपियाँ आकर गाएगी, हैं अभी गाएगी नाचेगी, लाला का कच्चा नींद टूट नहीं जाए। फिर किसको लेना देना, बहुत सारे काम हैं, अभी उनको सुला दिया बैलगाड़ी के नीचे, और इधर सब ब्रज गोपियाँ बैठ करके बोले जियो श्याम लाला जियो I'm
कृष्ण की बाल्य चरित्र को गा रही है, लेकिन कृष्ण कहाँ लेट हुए, बोल बैलगाड़ी तो नीचे। इसलिए भगवान खुद क्या कहते हैं, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जो विनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते हैं मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में भी नहीं रहता, बोले कहाँ रहता हूँ, बोले जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते वहीं रहता हूँ। अभी यहाँ कीर्तन कर रहे हैं गोपियाँ, अभी कृष्ण लेट हुई है कहाँ पर बैलगाड़ी को नीचे, लेकिन अभी कृष्ण का नींद खुल गई। क्यों, जहाँ कीर्तन भगवान के तो मैं वही रहता हूँ। अभी कृष्ण आना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का आनंद लेना कृष्ण स्वयं चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कीर्तन में इतने रस है, कृष्ण कथा में इतने रस है। आप लोगों ने एक सूरदास का तस्वीर देखे होंगे, जब सूरदास जी कीर्तन कर रहे हैं कन्हैया वहां पर एकदम तन्मय होकर के बाल गोपाल रूप लेकर सुन रहे हैं। इसलिए कृष्ण कीर्तन में कृष्ण रसों में इतना आनंद है, कृष्ण को भी पता नहीं। इसलिए कलयुग में कृष्ण क्यों राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के महाप्रभु रूप में क्यों आए, कारण यही है। कृष्ण सोच रहे हैं मेरे हृदय में जो आनंद है और आनंद को कौन आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी। कितने आनंद, बोले मुझे जितने आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा श्री राधा रानी को आनंद होता है। लेकिन वो रस कहाँ पर है, वो आनंद कहाँ पर, बोले मेरे अंदर। लेकिन रसगुल्ला को पता नहीं रसगुल्ला में क्या स्वाद है। इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में देखा, जब तक राधा रानी के भाव अंग कांति नहीं लेता हूँ तब तक ये रस को मैं आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के श्री सचिदानंद गौर हरि रूप में आते हैं, बोले श्री सचिदानंद गौर हरि की। इसलिए कृष्ण अभी अपना कीर्तन का आनंद लेना चाह रहे हैं। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना है, 3 महीना के अभी, लाला आज ही करवट लिए हुए। लेकिन कृष्ण तो अभी उनको घुटन पर भी चलना नहीं आता है, वो आए कैसे, बोले बाला नाम रोदन बल, बालक का जो रोदन जो रोना यही बल है। लाला ने सोचा अगर मैं थोड़े रो लूं मैया सुन करके साथ उठा करके ले जाएगी, इतने में लाला ने थोड़ा रोना प्रारंभ किया। लेकिन मैया तो लेन देने में लगी हुई, किसको क्या देना क्या लेना, फिर कीर्तन हो रही थी, फिर तो वहां पर धूम मचा हुआ था, मैया की कान में नहीं पड़ा। कन्हैया ने सोचा इतना तो रो लिया, कितना रो, इतना तो रो लिया, तभी भी मैया मेरे को ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने कृष्ण उन्होंने कंस को प्रेरणा किया, इतने में कंस ने श्री शकटासुर को उन्होंने भेज दिया है। जो शकटासुर ने पूर्व जन्म में उत्कच हिरण्याक्ष का बेटा था, एक दिन उसने लोमहर्ष ऋषि की बाग में प्रवेश करते हुए सारे बाग को तसनस कर दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट, इसलिए ठाकुर जी इतने मोटे छोटे तेरे को बनाए संतों की बाग को बिगाड़ने के लिए, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान, अभिशाप देता हूँ तेरे शरीर ही नहीं रहेगा, सारे नशा उतर गया। ऋषि को चरण में गिर पड़े, उद्धार कैसे होगा, बोले कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, उनके चरण स्पर्श से ही उद्धार होगा। इसलिए अभी वही आ गया, शकटासुर आ गया, उसका रूप नहीं था, देखा लाला कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ, सोचा ये बैलगाड़ी में सवार हो जाता हूँ और दबाते 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 नीचे दबा दूंगा। लेकिन लाला ऊपर में देखा, बोले मामा जी आ गए, कंस मामा है ना, उनका संबंध सब मामा लगते, बोले मामा तो आ ही गए, कुछ ना कुछ मामा व्यवस्था करेंगे। कृष्ण इतना अपना कोमल जब चरणक उन्होंने धीरे धीरे चलाया और ऐसे ठोकर मारी गाड़ी को, पूरा गाड़ी पलट गई, सारे दूध दही बिखर गया, सब लोग गोपियां कीर्तन कर रहे थे, क्या हो गया,
आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, गाड़ी पलटी तो पलटी गई से, पर सारे ब्रज गोपियां वहां पर भागते भागते आई, आकर के देखा बैलगाड़ी पलटा हुआ, सारे तसनस हुए। लेकिन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने थे, उन लोगों ने देखा, उसने कहा मैया मैया हम 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 बोले कैसे कैसे गाड़ी फल 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 पलट गई। बोले कैसे? बोले लाला की चरण के ठोकर से। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा रहा है। अरे लाला अभी केवल 3 महीना की, अभी गुठन पर भी चलना नहीं आता, और इसके चरने के ठोकर से गाड़ी कहीं पलट जाएगी, पागल है। उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर मैया ने कान्हा को लेकर के कीर्तन को बीच में लेट आकर के, फिर गोपियों ने बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। लाला तो बड़े खुश हो गया, बोले पहले तो मैं यही चाह रहा था, मेरे को क्यों वहां से दूर कर दिया, इतना नजदीक थोड़ी करता, कुछ नहीं करता, अगर मेरे को अगर पहले कीर्तन में ले जाते। यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा ये है, कृष्ण कहते हैं भगवान से कोई ज्यादा संपत्ति जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। जगत में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? भगवान का प्रेम बा भगवान। लेकिन उन्होंने सबसे बड़े संपत्ति को क्या किया, वो ले करके उन्होंने बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और उसको ऊपर में सारे दूध दही मक्खन उसको ऊपर लद दिया, मतलब भगवान को तो कर दिया नीचा, लेकिन जो सांसारिक वस्तु को रख दिया ऊपर में। हम लोग भी ऐसे ऐसे कभी करते हैं, क्या करते हैं, घर में लाला का बर्थडे बनाएंगे, शादी का सालगिरह बनाएंगे, जितने भूत पिशाच को बुला लें और शराब और मांस खिला करके और भूत का त्यार से खूब नाचेंगे गाएंगे। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका दुनिया है, जिसने सब कुछ दिया अपना लाला के लिए, तो हर महीना महीना में नए नए ड्रेस पहना देंगे, हर रोज तो लाला को रोज रोज ड्रेस पहनाएंगे। लेकिन जो असली लाला, जो बाल गोपाल कृष्ण बैठे हैं, वो 10-15 दिन से एक कपड़े में पहने बैठे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनकी सेवा के लिए कोई ध्यान नहीं, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला बुला करके शराब मदिरा और मांस खिला करके भूत का ज्ञान करा रहे। लेकिन भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं? उत्सव। उत्सव मतलब क्या? उत मतलब निकाल देना, क्या रह जाएगा? बोले सब। अगर किसी चीज से अगर हम भगवान को निकाल दिया, वो रह जाएगा क्या? सब रह जाएगा, केवल सब मतलब मृत शरीर, वो मृत शरीर का ही भूतों का वो आटा खाना है। भगवान क्या कहते हैं? ऐसे ठोकर मारूंगा ना, सब घर में तसनस कर दूंगा तुम्हारी, सारे बजा चखा दूंगा। इसलिए कोई भी घर में चीज हो, पहले अपना बेटे के लिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले, नहीं पहले देखो ठाकुर के लिए कपड़ा है, भगवान के लिए क्या बनाया, ये चीज को मत देखो पहले, ये भूतों को क्या खिलाएंगे ये चीज को मत देखा करो, भगवान के लिए क्या है कि नहीं पहले देखो है। इसलिए भगवान ने क्या किया, वो गाड़ी को उन्होंने पलटा दिया और सारे को सारे उन्होंने तसनस कर दिया। भगवान ये शिक्षा देते कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन और 5 मिनट बोल के खत्म कर देता। इसलिए एक दिन एक फल विक्रेती थी, अभी ब्रज में जितनी गोपियां आती थी, ब्रज की गोपियां मथुरा में आती थी, लेकिन ये तो गोपी, गोपी मतलब क्या, गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है, ये गोपियां हैं। ये गोपियां जहां जहां जाती थी, जिनकी कण कण में कृष्ण समाया हुआ है, जब वो आती थी मथुरा में, जहां जाए तो बोले एक ही चर्चा है, नंद के लाला कितने प्यारे हैं, आज श्याम सपने में आयो और धैया पी गए। इसलिए कन्हैया की केवल भगवान की कथा और कोई चर्चा ही नहीं, सपने में जागने जागरण में उठने में बैठने में केवल कृष्ण ही चर्चा है। लेकिन एक फल बेचने वाली थी,
अभी नंदलाला की कथा सुनते 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 उसकी कड़कड़ में ही लाला बैठी गई। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक साधु संग नहीं होगा, आज जो यहाँ इतना लोग बैठे हो, गले में कंठी माला तिलक, विदेश का भी कुछ भक्त है, इतना भक्ति कही जाएगी? इस विदेश से होकर के कंठी माला तिलक कैसे लगा ली? लेकिन मथुरा में हम रहते हुए भी तिलक नहीं, कंठी गला नहीं, माला कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग पर भक्ति आई कैसे? लेकिन इतने दूर में रहते हुए भी इनकी संत के संग मिला है, केवल साधु संग। अभी ये कथा सुनते सुनते इसकी रोम रोम में कृष्ण बैठी गई। अभी वो चाह रही है मैं भी एक बार नंदलाला को जाकर के दर्शन करूँ। वो सोच रही है नंदलाला तो राजा का बेटा, मैं तो फल बेचने वाली बेचारी, उनको दर्शन कैसे करूँ? वो सोच रही है बच्चों को मीठे मीठे फल बड़ा प्यारा होता है, इसलिए मैं बड़े सुंदर सुंदर फल लेकर के जाऊंगी। इसलिए केले अंगूर से लेकर गई और नंद बाबा का महल को बाहर खड़ी होकर के सोची अगर बुलाऊंगी तो लाला जरूर फल लेने का लोग में आएंगे, कृष्ण दर्शन हो जाएगा। उन्होंने जोर जोर से बुलाया, फल लेगा कौन फल? लेकिन कृष्ण का सखा लोग तो आ गए, वो तो फल लेकर गए, लेकिन वो नंद लाला नहीं आया। बेचारी बड़ी दुखी होकर वापस आ गई। दूसरे दिन भी गई, दूसरे दिन भी ऐसे उसने जोर जोर से बोली, तब भी नंद का लाला नहीं आया। लेकिन जब तीसरे दिन वो जाती है, कसम खा करके जाती है, अगर आज हम लाला को दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो आज घर में मैं वापस नहीं आऊंगी, प्रतिज्ञा लेकर गई। और कृष्ण चिंतन करते 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 उसने इतने डूब गई, वो भूल गई फल बेचना। अभी जा करके बाहर बोलती, गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, नंदलाला लेगा कौन नंदलाला। देखो आज उसने भूल गई फल बेचना, आज भाभी बन गई है। इसलिए कहते हैं अगर भगवान को पाना चाहते हो ना, जब तक पागल नहीं बनेगा तब तक भगवान हमें मिलने वाले नहीं। इसलिए बोले कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सब पागल है ना झूठे पागल है। लेकिन असली पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके। हाँ इसलिए आप भी सब पागल हो, घर बार छोड़ दिया, बाबा को चक्कर में लड़ गए, हम लोग आ गए। इसलिए कहते असली पागल हो ये। अभी इसने सिखा दिया, इतने पागल बनना ही पड़ेगा, इसलिए एकदम बाबरी बन गई है। लेकिन कृष्ण तो सर्वंतर जब सब जानते घटघट में बैठे हुए, आज भगवान की तान में उनकी आवाज गई, बोले ये दो दिन से वापस जा रही है। इतने में कृष्ण आंगन में खेल रहे थे गेहूं के ऊपर में, इतने में कृष्ण अपना हाथों से गेहूं उठाया और चल पड़े। जब चल पड़े, मैया ने लाला का प्यार में नुपुर बांध करके रखी थी, जब चल रहे थे नुपुर की छम 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 आवाज आ रही थी। मतलब क्या, ये नुपुर कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, सकड़ा शुरू आ गया था, तिना पड़ता आ गया था, मैया ने मना किया तेरे को जाने के लिए, खबरदार घर से बाहर नहीं जाना, अगर जाओगे ना मैं मैया से बोल दूंगा। नुपुर कह रहा है, बोले नुपुर कैसे बोल रहा है, बोले वहां के नुपुर भी साधारण नहीं, बलदेव प्रभु स्वयं है। इसलिए माँ के कान में नुपुरी की आवाज पड़ेगी, मैया को पता चलेगा। कृष्ण ने बोला ये दाढ़ी से तो जान ही नहीं देगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, नुपुर को थोड़ा उन्होंने ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा चिपक गया, आवाज बंद हो गया। जब कृष्ण चलने लगे, कृष्ण तो अभी 3 साल के ही, जब गेहूं ले जा रहे थे, बच्चों का हाथ में ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, जब गेहूं उठा कर ले जा रहे थे, ये अंगुल का संधि से एक एक गेहूं गिरते गिरते पड़ रहा था। बोले कहाँ पड़ रहा था, बोले उनके चरण में। बोले क्यों, बोले ये गेहूं कौन है, बोले लक्ष्मी। लक्ष्मी चरण में क्यों गिर रही थी, बोले प्रभु मैं तो तुम्हारी घर की एक कोने में पड़ी हुई हूँ, मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, फिर मेरे को घर से अब बाहर दूसरे व्यक्ति को लेने के लिए क्यों जा रहे हो, हमें क्यों घर से निकाल रहे हो, इसलिए आपका चरण पकड़ती हूँ, मेरे को घर से बाहर मत ले जाया करो। लेकिन कृष्ण चलते चलते सब खत्म, 2-4 गेहूं रह गया। और इतने में वो जो फल बेचने वाली थी, वो तो बाबरी बन कर गई, लाला लेगा कौन लाला, कन्हैया लेगा कौन कन्हैया, कृष्ण लेगा, तो पागली बन रही थी। इतने में वो सुन रखी थी नंद के लाला बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं, अभी तक दर्शन नहीं की। सचमुच से जब कृष्ण बाहर निकले, क्या सुंदर है कृष्ण की। इसलिए कभी कभी गोपियां लाला को
ताना मारती, बोले नंदलाला तू यदि होत लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। अगर लाली तू बनता है ना, विश्व ब्रह्मांड तेरे को पाने के लिए आपस में मर जाते। हाँ, लड़ाई झगड़ करके इतने कोटि कंदर्प रूप है भगवान को दर्शन करते हुए, वो तो बाबरी से बाबरी रह गई, ठगी से ठगी रह गई। इतने में दो चारी गेहूं को उन्होंने टोकरी में डाल दिया, वो तो फल को नीचे चला गया। कहते मैया फल दे दे, मैया फल दे दे। बोले लाला तेरे को तो मैं फल दूंगो, लेकिन पहले तो तुम मेरे को कुछ दो, उसको बाद में तो फिर फल दूंगा ना। बोले मैया तू तो नई बात कह रही हो, मैं जब ब्रज गोपियों को घर घर में जाता हूँ, मेरे को गोपियां कुछ नहीं मांगती हैं, बड़े प्यार से गोद में बैठाती हैं और मेरे को मक्खन मिश्री राबड़ी पता नहीं क्या खिला, तू पता नहीं तू कह रहे हो मेरे को दो। कृष्ण ने कहा ठीक है, इतने में वो फल बेचने वाली कह रही है, बोले ठीक है एक काम कर, मेरे गोद में एक बार बैठ करके माँ बोल दे, मैं भी तेरे को सब कुछ दे दूंगा। एक बार बैठ गया, कृष्ण सोच में पड़ गए, ये कहाँ से आए कर मेरे गोद में बैठ, मेरे मैया बोल। कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, वैसे ही गोपियाँ मेरे को चिढ़ाती रहती हैं, अगर गोपियाँ देख लेकर और चिढ़ाएंगी। कृष्ण सोचने में लग गए, फिर कृष्ण इधर उधर से देखा कोई है ही नहीं, बोले एक बार बैठ जाने से क्या होता है, अरे इतना सारे फल तो मिलेगा है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, झट गोद में बैठी गए, गोद में बैठी कर बोले मैया मेरे को फल दे दे। झट खड़े हो गए भगवान, किसको गोद में बैठे, बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति नताव नखाग्र मरीचि। बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, आज स्वयं भगवान इसकी गोद में बैठे, कोई साधारण बात नहीं था। कहते भगवान क्यों गोद में बैठे, कारण है जिस समय राम लक्ष्मण सीता जंगल में पहुंचे, निषाद राधा से भेंट हुई और भगवान ने निषाद बोल रहे थे मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी भैया है। उसी समय में निषाद के साथ में रामचंद्र का मित्रता हुई। कहते जो मित्र का जो माँ अपना भी माँ होता है, अभी निषाद की जो माँ थी भगवान राम रूप देख करके बोले अगर कभी मेरे गोद में बैठ करके माँ बोलता तो मेरे जीवन धन्य हो जाता। भगवान भाव अग्राही जनार्दन है, भगवान भक्त वत्सल है, बल्कि किसी अवतार में नहीं, इसी अवतार में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम में आया हूँ, जो लीला पुरुषोत्तम रूप में कृष्ण रूप में पूर्ण ब्रह्म बन करके आऊंगा, उसी समय में तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए उन्होंने उनको गोद में बैठे माँ बोले, इतना खुश हो गई, उन्होंने सारे फल को उनको हाथ में दे दिया। कृष्ण खुश होकर के वापस आ गए। देखो वापस आ गए, इतने में मैया ने कहा लाला इतने फल तेरे को कहाँ से मिल गया, बोले ये फल बेचने वाली ने दी। लेकिन कृष्ण तो सोच रहे थे किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन गोपियों ने देख लिया। क्यों, जब गोपियों ने देखा थोड़ी देर में बाद में लाला गया कहाँ, लाला है ही नहीं। उन्होंने पीछा किया, बोले कैसे पीछा की, उन्होंने जब गेहूं लेकर के जा रहे थे वो हाथ के छेद से अमृत को छेद से गिरते गिरते गया था एक गेहूं। मतलब क्या है, कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को कोई पाना चाहता है, जब तक मैं स्वयं किसी को प्राप्त नहीं होता हूँ, सही जाने जा रहे देहु जाना ही। इसलिए जब तक स्वयं को स्वयं नहीं जानते हैं, उनको कोई भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोले ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यते मध्या न बहुना श्रुते न। पांडित तो बुद्धि को तरह भगवान नहीं मिलते हैं, मिलते हैं भगवान जिसको जनाते हैं, हैं? इसलिए भगवान को बना करके रखे थे। गोपियों ने कहा मैया तेरे को पता है आज कहा भयो, बोले कहा भयो, बोले पता नहीं कहाँ से आई थी, जात पात कोई ठीक नहीं, तेरे लाला ने इसको गोद में बैठा और उन्होंने माँ बोला तभी तो इतना फल मिला। कृष्ण तो सोच रहे थे किसी ने देखा ही नहीं, देखा तो गोपियों ने देख लिया। कृष्ण कह रहे मैया नहीं मारे, लेकिन उन माँ का नाम है जसोदा। जसोदा मतलब क्या है, जसम ददाती थी जसोदा, सबको जो जस देने वाले जसोदा है। बोले उसमें बुराई क्या, अगर मेरे लाला को अगर दूसरा माँ भी लाला बोलता है ये तो अच्छा है, बुराई थोड़ी है। कृष्ण ने देखा मैया तो मेरे पक्ष में छाती चौड़ा हो गया, बोले कोई बात नहीं। इतने में मैया ने भगवान को भोग लगा कर सारे फल खिलाए। उधर जब फल बेचने वाली थोड़ी दूर गई, उधर टोकरी थाना इतना भोजन हो गया, बोले इतना भोजन कैसे हो गया, नीचे उतार कर देखती है रत्नों से भरा हुआ है। बोले प्रभु आपसे तो मैंने ये प्रार्थना की नहीं, मैं तो इतना ही चाहती हूँ रोज तुम्हारी एक दर्शन हो जाए,
तो मैं ये माया देख करके मेरे को क्यों इसने भुलाना चाहती हूँ, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे को माया से मत भुलाया करो, मेरे तो दिन में एक बार केवल दर्शन दे दो। फिर उन्होंने उसको लेकर के यमुना में उड़ाल दी, उसको बाद में कहाँ चली गई पता नहीं, कहाँ चली गई, ठाकुर जी के पास में चली गई। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, अगर भगवान को फल खिलाओगे ना तुम्हारी झोली भर देंगे, ठाकुर जी तुम्हारी झोली भर देंगे। इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना है, आप लोग बड़े भाग्यवान पुरुषोत्तम महीना में फिर भागवत कथा सुन रहे हो, इसलिए देखो अकेला नहीं आना है, कम से कम अड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके एक एक व्यक्ति, गुरु जी कहते थे एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 जन को लेकर जाना, कितने कितने को जोर से बोलो 10-10, अकेले नहीं, इसलिए इतने भक्तों को लाना जैसे मंदिर में प्यार बैठने की जगह नहीं मिले। इसलिए एक उदाहरण देते हैं, देखो जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कहीं मीठा पड़ा हुआ है, एक गैया आएगा ना खा करके जितना खा करके चला जाएगा, एक अगर बकरी आएगा जितना खा करके चला जाएगा, एक चिट्टी आएगा तो क्या करेगा बेटा, बोला जोर से, एक चिट्टी अगर देख लिया या मीठा पड़ा हुआ क्या बोले करेगा बताओ, अरे जोर से बोलो, वो सारे अपना परिवार को बुला करके ले आएगा, चलो वहां पर मीठा है। इसलिए चिट्टी जैसे बनना है, अगर यहाँ खाना तो खाना और सबको बुला करके बढ़िया, हाँ वहां पर बढ़िया मीठा मिल रहा है, चलो सबके सब लेकर के चलो, ठीक है ना। और गुरु जी कहते थे जिसको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगा, जो लाने वालों को उसको आधा पुण्य मिल जाएगी, आधा सुकृत मिलेगी, गुरुदेव कहते थे। इसलिए कल कितने कितने लोगों को लेकर आओगे, इसलिए कल बन महाराज माधव महाराज बोला महाराज जी इतने भक्तों को हमने बुला कर बुलाए, देखो ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। माइक माइक बहुत सुंदर रूप में श्री महाराज जी रस बरसाया, महाराज जी के आगमन से ही महल जो है एक सुंदर रूप में बन गया, और महाराज के पूर्वज ब्रह्मचारी के नाम भी सुंदर था, रसानंद ब्रह्म सबके रस प्रसन्न है। अभी महाराज जी रस भी वही रस बरसा रहे हैं, तो किंतु समय की भी देखते हुए श्रृंखला की हमारे भी नियम है, विशेष करके हमारे महाराज जी जो है पक्का नियम में रहते हैं, समय के अनुसार देखना भी पड़ता है। हरि कथा तो सभी प्रभु समुद्र के नदी के भांति, नदी जैसे समुद्र के तरफ से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार ये हरि कथा तो उसी प्रकार की है, लेकिन तथापि आज हम लोग जो नियम श्रृंखला जो रखा गया, आज गोवर्धन धारण लीला की कथा हम अंतिम रखेंगे, और वो गोवर्धन लीला की कथा स्वयं श्री महाराज जी माधव महाराज जी आप लोग इनका प्रश्न करेंगे, तो समय नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहता हूँ ये कृष्ण कैसे गोवर्धन धारण लीला किया, इसके तात्पर्य किया, और विशेष करके मैं ये गोवर्धन धाम देखो कितने सुंदर विग्रह भी ऐसे बनाया गया, विशेष करके बनाया कृष्ण, देखो एक विदेशी लड़की, क्या नाम उसका, जय श्री देवी दासी की, कहां की जानी, कजाकिस्तान की, देखो एक बनाया, अरे पाकिस्तान नहीं कजाकिस्तान, देखो मतलब बजोर जय श्री देवी दासी की, देखो एक विदेशी लड़की होकर के कितने सुंदर ऐसे बनाया, जैसे और देखो आप लोग सब लोगों ने सहयोगिता की, विशेष करके जैसे नंदोत्सव में काल आप लोगों ने बहुत प्रकार के हमने जो है सहायता की, आज भी गिरिराज गोवर्धन धारण लीला के अन्नकूट महामहोत्सव में आप लोग ने इतने जो सहायता की, इसलिए आप लोग के हम लोग सब आभारी हैं। इसी प्रकार आधी की कथा महाराज बड़े 6:30 हो गया, 7 बजे हम लोग कथा विराम देते हैं, और इसके पश्चात कीर्तन, इसके पश्चात जो है हमारे ठाकुर जी की आरती होती है, जो अर्धकुट महोत्सव है ना, इसलिए ये हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं
जो केवल एक अन्न की दाना, एक अन्न की दाना गिरिराज की सेवा में एक बार लगा दे, इसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, उसकी घर में मां लक्ष्मी हर समय भरपूर रहेगी। ये गिरिराज सेवा की इतने महत्व, गिरिराज की इतना महत्व क्यों, स्वयं कृष्ण 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 को उन्होंने स्वयं पूजा की। सारा दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, बोले गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा। बोले गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। अभी महाराज जी कृपया गिरिराज धारण के लिए कथा प्रारंभ करें, समय हमारे संक्षेप है, इसके भी हमारी कीर्तन भी है। राष्ट्र दामोदर प्रभु, दामोदर प्रभु की महाराज एक कीर्तन ही बच्चा भी बोलेगा महाराज, सचिन का भाई है छोटा। ये बात कीर्तन अभी महाराज जी कथा हो जाए, इसके बाद उनके समय समझे रहना जाए, बच्चे बात हमें तो लेकर के पड़ता है। हरे कृष्ण, आप लोगों ने अभी श्रीधर महाराज से सुन रहे थे, बता जो फल विक्रय भी क्या बोली, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो, पहले बोल रही थी केले लो, अमरूद लो, अंगूर लो, कृष्ण नहीं आए, जब बताया गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो, कृष्ण आने के बाध्य हुए, क्योंकि कृष्ण नाम कीर्तन कर रही है, नहीं बोला कि श्रीधर लो, बन लो, नरसिंह लो, बोला माधव लो, माधव लो। और जो कृष्ण का दर्शन में शिव जी आए बताया, जब कृष्ण खिलखिला के हंसने लगे, फिर शिव जी का मनोरथ पूर्ण हो गया, अब जाने लगे, माँ जसोदा की सहेली ने बताया, देख जसोदे, ये हो न हो, ये जो अखंड जोगी को जानता है इसको रख दे, तेरे लैला बार बार रोता है, ये रहेगा ना रायनून कर देगा। ठीक है, वो जा रहे हैं शंकर जी वापिस, ये लंबे चौड़े कितने लंबे लंबे डग, अब गोपियाँ बुला रही है, जोगी जोगी, क्योंकि दौड़ नहीं पा रहे, मुड़ के देखा क्या बात है, योगी चलो नंद भवन में, जसमती माँ बुलामे बुलामे बुलामे, क्यों बाकुलाल को नजर लगी है, बाकुलाल को नजर लगी है, तो रायनुन करवा में सिद्धि देखाएंगे ना, सुवर्ण सुजोग है, आए रह रहे जोगी नंद भवन में, रह रह जोगी नंद भवन में, ब्रज में बास कियो, क्या करूंगा, जब जब बाकू लाला रो में, जब जब बाकू लाला रो में, तब तब दर्शन दियो। सिंह बोला ऐसे तो रहूंगा नहीं, जो नंदराम कहाँ है, नंदीश्वर पर्वत के ओर बसा हुआ है, बोले देख जसोदे, मैं शर्त में रह सकता हूँ क्या, जब तो अपने लाला को नहलाएगी ना, मैं तो राजभवन में नहीं रहूँगा, मैं ठहरा जोगी, मैं नीचे रहूँगा, जब लाला को नहलाएगी, नहाने वाला पानी सब मेरा सिर पर गिरे, बस यही होगा, इसलिए अभी भी जो नंद भवन है नंद गांव में, जब कृष्ण का अभिषेक होता है, अपने आप व्यवस्था किया पानी जाके शंकर के सिर पर गिरता है, और बताया ऐसे ठीक है, ऐसे ही रहूँगा, इसलिए नंदीश्वर नीचे हैं। अब आते हैं गोवर्धन लीला में, इससे पहले की बात बता देता हूँ, भारत में मार्च में लॉकडाउन हुआ, मैं श्रीधर भाई कितनी बार बुलाया, महाराज जी आ जाइए, नहीं मैं जाऊँगा नहीं, मैं मर जाऊँगा महाराज जी, मैं जाऊँगा नहीं, पूछिए पूछ लो, अब पुरुषोत्तम महीना में ये लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम कथा सुनने के लिए सुनाने के लिए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र से कितने कष्ट करके पुरुषोत्तम धाम से पुरुषोत्तम के आदेश लेकर पुरुषोत्तम सुनने सुनाने के 7 महीना बाद
ब्रज में पहुंच गए। अब आते हैं गोवर्धन धारण लीला में। कृष्ण क्यों गोवर्धन धारण किया, करके उनका लाभ क्या हुआ? ऐसे कंप्यूटर युग है ना, हम कैलकुलेशन कर देखते हैं। अब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, 7 साल का हो गया। अब कृष्ण चाहते हैं गोपियां मेरे पास आए, गोपियां भी चाहती मैं कृष्ण से मिलूं, किंतु समाज का डर, गुरुजन का डर, क्या करें? विरह 4 प्रकार के, मिलन 4 प्रकार के हैं। विरह में क्या, पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम वैचित्र, और मिलन में संकीर्ण, संक्षिप्त, संपूर्ण, समृद्धिमान। अब गोपियों का पूर्वराग कृष्ण के प्रति, कृष्ण का पूर्वराग गोपियों के प्रति। अब कैसे, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, हम आमने सामने हो और कोई कुछ समझ न कर सके। तो कृष्ण गोपियों का मन को जीतने के लिए ब्रज में 2 काम किया, एक है काली और दमन और एक है गिरिराज धारण। मान तो समय नहीं, सुनाते पम 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 पपम पपम सुनाते, आई सुनाए थे, वृंदावन ने सुना दिया। जब सांप के ऊपर कृष्ण नाचा या गोवर्धन को धारण किया, बोले बाप रे बाप, हम तो लोगों को देखा टूटे हुए ग्लास के शीशा के ऊपर नाचते हुए, इधर उधर ये सांप के ऊपर नाच रहे हैं। बस गोपियां कृष्ण के फिदा हो गए, फिदा हो गई, और काली इसको गोवर्धन धारण किया, फिदा हो गए गोपियां, कृष्ण फिदा हो गए, गोपियां फिदा हो गई। और हुआ क्या, कृष्ण चाहते हैं कि इसको मैं अपने सामने बुलाऊं, अब क्या किया जाए। अब एक दिन माँ यशोदा सुबह सुबह बहुत कुछ पकवान बना रही थी। कृष्ण आके बोला मैया आज मेरा जन्मदिन है। नहीं लाला, दाऊ का नहीं, पिताजी का नहीं। बोले जाओ खेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। कृष्ण का मन खट्टा हो गया, क्या बात है, मैया को अभी डांटती नहीं, आज डांट क्यों रही है? यदि बोला हाँ तो बोले तो खाओ, अभी खाना शुरू कर देंगे। बोले यदि इंद्र पूजा झूठा हो जाएगा, नंद बाबा ड्राइंग रूम बैठक खाना में बैठे थे। कृष्ण क्या किया, आके बाबा के कंधा पकड़ करके ऐसे झुलझुल कर रहे हैं। नंदो मनिवन हंसे, क्या बात है, लाला इतना प्यार कर रहा है, क्या बात है, जरूर हो ना हो दाल में कुछ काला है। आके नंद बाबा के गोदी पर बैठ गए, थोड़ी पकड़ के, बाबा आज मेरा जन्मदिन है। नहीं लाला, दाव का नहीं, बाबा आपका नहीं बेटा। जब बेटों का जन्मदिन मनाया जाता है और बाप का नहीं मनाया जाता है, तो मैया इतना पकवान क्यों बना रही हैं? बोला बेटा इंद्र पूजा। अच्छा बाबा इंद्र पूजा, हाँ बेटा इंद्र पूजा। वह इंद्र कौन है? बोले इंद्र महाराज है, इंद्र राजा है स्वर्ग का। अच्छा बाबा इंद्र राजा है, मैं इंद्र से खेलूंगा। नहीं बाबा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों बाबा, आप नंद महाराज है, मैं आपसे खेलता हूँ, वो तो राजा है, राजा के साथ खेलूंगा। राजाओं के राजा महाराज होता है, जब मैं महाराज की गोदी में बैठ के खेलता हूँ, राजा के साथ क्यों नहीं? बोले नहीं बाबा, ऐसे कहना नहीं चाहिए, वो तो स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा बाबा स्वर्ग में, मानो कृष्ण कुछ जानते ही नहीं, नरोबत लीला है ना। बाबा वो क्या करता है? बोले देखो इंद्र स्वर्ग के राजा है, ये पानी बरसाता है, पानी बरसने के कारण घास उगता है, फिर कुंड भर जाता है, गैया घास चरती है, पानी पीती है, दूध देती है, हम लोग पानी से रसोई बनाते हैं, पानी पीते से जीते हैं, हम लोग भी पानी के कारण जीते हैं, और जितने गाये गौ बछड़े सब जीते हैं। अच्छा इसलिए इंद्र पूजा करना चाहिए। फिर कृष्ण जी, बाबा समुद्र में पानी बरसता है। हाँ बेटा, बाबा जंगल के बीच में, हाँ बेटा उधर तो अधिक बरसता है। बाबा जंगल के बीच में जाके कौन इंद्र पूजा करता है?
समुद्र के बीच में कौन इंद्र पूजा करता है? वैस नंदव बोली बंद हो गई, कुछ कह ही नहीं सके। कृष्ण बोला बाबा मुझे तो लगता है ब्रज में पानी बरसने के कारण इंद्र का कोई हाथ नहीं है। बाबा देखो गिरिराज हमारा ब्रज की देवता है, कितने ऊंचे देखिए, 30 पर भी उतने लंबे लंबे पेड़, जब बादल एक पार से उस पार जाता है ना टकरा करके पानी बरसता है, इसलिए मेरे विचार से गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए सबसे अच्छा रहेगा। कृष्ण ऐसी युक्ति तर्क दिया, नंद बाबा का बोली बंद कर दिया। अब नंद बाबा पूरा ब्रज में भिंडरा पिटवा दिया, ब्रजवासियों आज जो कुछ जो इंद्र पूजा के लिए बनाया है इंद्र पूजा के बदल में हम सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे, जो जो सामान बनाया सब लोग गिरिराज तलट में लेके हाजिर हो जाएं। ऐसे अनाउंस कर दिया, सब लोग आ गए, आ करके गिरिराज जी को भोग आरोगा। कृष्ण नंद बाबा जसोदा सबके साथ खड़े हैं, एक स्वरूप में क्या किया गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए, आनो रे आनो रे आनो रे और ले आओ, दोनों हाथ से खा रहे हैं। कृष्ण कहा बाबा आप लोग कभी इंद्र को देखा खाते हुए? नहीं बेटा। ब्रजवासियों से पूछा तुम लोग देखा? नहीं नहीं बाबा, देखो गिरिराज कितने प्रसन्न है, देखा गबागब सब खा लिया, अब क्या किया जाए बता। कृष्ण बताया गोप लोग हम लोग दो इंद्र गोप हैं, हम कहाँ से इतने लाएंगे, आपके पेट तो बहुत विशाल है, तुलसी अर्पण के आप संतुष्ट हो जाए, तृप्तोस्मी तृप्तोस्मी। सबने बर मांगा, बोला बर मांगो, सब करें नंदलाल की जसोदा दुलाल के प्रति बहुत असुरों को इसका अत्याचार होता है, इतनी कृपा करे नंदलाल सुरक्षित रहो सुखी रहे, इतना ही मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ठीक है अब फिर पूरा भर गया, अब क्या किया, अब सब लोग प्रसाद पाए और गिरिराज परिक्रमा करने लगे। जब परिक्रमा कर रहे हैं गोपियां कुछ पीछे थी, राधा जी कह रही हैं ललिता विशाखा से देखो अगर नंदनंदन सचमुच मुझे प्यार करते हैं सबके सामने रहते हुए एक बार मेरी ओर देख ले तो मैं समझूंगी सचमुच और मुझे प्यार करते हैं। कृष्ण अंतर्यामी समझ गए, क्या किया सखाओं से बात करते हैं, देखो मैं कितने एक्सपर्ट हूँ, ये गोचरण के लकुट का ऐसे ऊपर फेंका और भी कलाबाजी खड़े ऊपर चले गए, जाके राधा जी के चुप में आँख मिला करके ये पकड़ फिर नीचे आ गए। राधा जी गदगद हो गई, सचमुच भी प्यार करती है प्यार करता है, और फिर कह रहे देखो अगर सचमुच नंदनंदन मुझे प्यार करते हैं फिर एक बार मुझे देख ले तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मान सकती हूँ। जा रहे गो बछड़े बत्सवी गोचरण वो लोग भी परिक्रमा में सब कहे, कृष्ण क्या किया एक बछड़े को पूछ को उमेट दिया, बछड़ा भागा पीछे की ओर, ट्रेंड बछड़ा है उसको लेने बहाने बिल्कुल राधा जी के पास आके आँख में आँख मिलाकर चले गए। अब ललिता देखो तो देखो तुम बोलते ही, फिर थोड़ी देर के बाद बोला अगर चुनारी बात देख ले तो बार बार तो बछड़े को ये पूछ उमेट नहीं सकते, लाठी को ऊपर नहीं फेंक सकते, लोग संदेह करेगा, कृष्ण के गोचरण लाठी में मणि जड़ा हुआ है, अब ऐसे करके अंगुल में ऐसे घुमाने लगे कृष्ण को परछाई, फिर राधा जी देख रही है देखो तो कितने सुंदर देखो इससे करके, जब वापिस आए सब अपने अपने घर में चले गए और सब पार्टी चल रहा है। इंद्र के अनुचे जाके बोला महाराज महाराज, बोले ब्रज में तो अनोनी हो गया, क्या हुआ, इतने पुरुषतानी से जब इंद्र पूजा चल रहा था ये महाराज नंद आपके पूजा को बंद कर दिया। बोले दो जगह तो पी के आ गया है, भाग साले इधर से, उधर भाई जी ना चल रहा है इंद्र सोमरस पी रहा है और दूसरे को भेजा, वो भी आके वही बोला तू भी अधिक पी के आ गया, पी 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 जी भर के पी,
जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी, लगता है तू बहुत पी के आ गया, जा फिर और एक को भेजा देख तो। बोले ऐसे ही, बोले ठीक है। बोले ऐसे नंद का बुद्धि बिगाड़ा कौन कि उसके छोटा सा लाला है उसने बिगाड़ा, ठीक है। मैं अब ब्रज को पृथ्वी के वर्ल्ड मैप से अमिट कर दूंगा, मिटा दूंगा ब्रज का नाम। नंद नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं वज्रधारी इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा। संवर्तक मेघ को बुलाया, आंधी तूफान चलने लगा, हाथी के सूंड के धार के समान बारिश शुरू हो गया। अब सब लोग तो त्राही त्राही, बोले चलो नंद भवन में आए। बोले देखो नंद महाराज, तुम्हारे सुंद कहने के कारण हमसे क्या देखो क्या करें। कृष्ण बताया चिंता मत करो, गिरिराज जी की पूजा की, गिरिराज हमें बचाएंगे। क्या किया? बोला अपने सब सामान गोवत्स लेकर के आ जाओ। कृष्ण क्या किया, गिरिराज को धारण कर लिया। अब सब लोग आ गए, अब कोई चिंता नहीं, पार्टी चल रही है अंदर, धुआंधार बारिश, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। क्यों? इसका बोले आचार्य वर्ग ने तीन कारण दिया। बलदेव रूप का आया गुस्सा, इंद्र इतना बदमाश है, जानता नहीं मेरा भैया कौन है। अनंत के रूप में पूरा गिरिराज के चारों ओर बहुत बड़ा प्राचीर बनाकर अपने शरीर से अनंत के रूप में घेर दिया। बारिश हो रही है, अंदर का छींटा नहीं आ रहा है। और कृष्ण गोपी आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। और क्या हुआ? अब शिव जी को आया गुस्सा, अरे बदमाश, इंद्र जानता नहीं मैं कौन हूं। अब शिव जी क्या किया, अपने त्रिशूल को लिया, त्रिशूल को ले करके इतने जोर से घुमाने लगा। क्या होगा, त्रिशूल तो पानी तो बरस रहा है और जितने पानी है त्रिशूल सोख रहा है, ये त्रिशूल सब पानी को सोख रहा है और ब्रज के ऊपर ऐसे घूम रहा है। इसलिए शिव जी का एक नाम चक्रेश्वर या चक्रेश्वर। फिर किसी कल्प में शिव जी भगवान के चक्र से प्रार्थना की, चक्र आके पूरा ब्रज के ऊपर छा गए। बारिश तो हो रहा है लेकिन एक बूंद भी पानी नीचे आ नहीं आ रहा है, चक्र सब सोच रहे हैं। इन तीन कारणों से अंदर पानी नहीं आया। फिर देखा, देखो तो अब क्या हुआ, बोला अंदर तो पार्टी चल रही है। अच्छा पार्टी चल रही है, बोला हाँ, कोई उनका फिक्र नहीं है। जब कृष्ण ये गोवर्धन धारण किया, सखा लोग कह रहे तुम ही कौन, बड़ो लोग तुम ही आमी सम, ये सख भाव है। कृष्ण अकेला हम भी धारण कर रहे हैं। क्या किया, अपने गोचर लकुटी लगा दिया। कृष्ण थोड़ा मजा किए हैं, थोड़ा सा एक मिलीमीटर हटाया और उनका लाठिया टूटने लगा, फिर कृष्ण पकड़ लिया। फिर सखा लोग कर रहे हैं, फिर क्या क्या राधिकार, कृष्ण के आंख में आंख मिल गया, कृष्ण कपने लगे और गिरिराज टलमल कर लगे। बहुत बोले साले तुझे शर्म नहीं आती, माँ है बाप है सब लोग है, ठीक हो जा, ऐसे कान में बोल के कर दे, सीधे हो गए। अब जो गिरिराज धारण लीला, मैं तो कभी भागवत सप्ताह करता जानता ही नहीं, ये सब लोग करते हैं। गिरिराज को कृष्ण कौन हाथ से धारण किया, ये गोवर्धन जो लीला भागवत में से वर्णन नहीं है। गिरिराज धारण की तो बता दिया, ये नहीं बताया कौन हाथ से, लेकिन हमारे टीकाकारों ने बताया कृष्ण बायां हाथ से धारण किया। कारण क्यों, कृष्ण कुछ करते नहीं, केवल इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा उनकी शक्ति राधिका जी पूरा करती हैं। राधिका जी कृष्ण के दाईं ओर रहती कि बाईं ओर, गौर बाईं ओर, और बाईं ओर बाएं हाथ के भी बाईं ओर सबसे कौन सी अंगुली है, एक कनिष्ठ अंगुली, कनिष्ठ अंगुली हाथ में दिखाया, ये मेरे कनिष्ठ अंगुली के खेल है गिरिराज धारण करना, ये दिखाया। लेकिन हमारे जितने भी मठ हैं गुरुदेव के अनुगत में, मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, नवदीप हो, कलकत्ता हो, विदेश कहीं भी हो, सब लोग मथुरा में आए। मथुरा में कृष्ण सीधे हाथ में गिरिराज धारण किया,
ये जब लोग बड़े सिद्धांतविद कभी इसका प्रतिवाद नहीं किया, न कुछ बोले न उंगली नहीं उठाया। लेकिन मथुरा छोड़ करके जहाँ भी हम लोग जितने मठ है सब कृष्ण बाएं हाथ में धारण किया। लेकिन श्रीधर में पूछो वो तो कितने साल रहे, कोई प्रतिवाद नहीं किया। वनमय पूछो कभी प्रतिवाद नहीं किया। जब ये बन रहा था स्केचिंग स्केच दिया गया था, वो आर्टिस्ट भूल करके सिद्धार्थ कर दिया। अब जब रंग कर दिया सिद्धार्थ, फिर बोले हम लोगों ने, आर्टिस्ट बोला गुरुदेव मैं मेरा भूल हो गया, मैं तोड़ के बना देता। बोले नहीं, वो कृष्ण की इच्छा से ही छोड़ दो। गुरु तो बहुत बड़े सिद्धांतविद, उनके तो कुछ भूल हो नहीं सकता है। बहुत साल लगा मुझे इसके सामंजस्य करने में। फिर रूप गोस्वामी पाद सामंजस्य दिखा दिया अपने भक्ति रसामी सिंधु ग्रंथ में। उन्निद्रस्य यजुस्तवात्र विरतिं सप्त छपातिष्ठतो हंत श्रंत इवासि निक्षिप्त सखे श्रीदाम पाणौ गिरिं आदि विद्धति नस्तमर्पय करे किंबा छनन दक्षिणे दशनस्ते करवाम काम मधुना सब्बास संवाहनम। सखा लोग कह रहे हे कृष्ण देखो, तुम निद्रा त्याग करके 7 दिन 7 रात तुम खड़े हो, ऐसे नहीं कैसे ग्रीडाई को धारण करके। अब लगता है तुम परिश्रांत हो गए हो, एक काम करो अब ग्रीडा जी को थोड़ी देर के लिए श्रीदाम के हाथ में दे दो। क्यों? श्रीदाम और कृष्ण में राय भिल्लारी, कभी मल्ल युद्ध में कभी कृष्ण जीतते कभी श्रीदाम जीतते। सब सखा लोग जानते हैं कि श्रीदाम कृष्ण के बराबरी, कृष्णाम के हाथ में दे दो। कृष्ण दे नहीं रहे, बोले काम करो थोड़ी देर सिद्धार्थ में पकड़ लो, हम तो बाएँ हाथ को मालिश कर देते हैं। कृष्ण थोड़ी देर के लिए दाहिने हाथ में पकड़ा, सखा लोग कृष्ण के हाथ को बाएँ हाथ को मालिश कर दे। इसलिए देखो मथुरा में दाहिने हाथ में धारण किया। बहुत साल लगा मुझे गुरुदेव क्यों कहा, जो कृष्ण की इच्छा से हुआ। ये देखो रूप गोस्वामी पाद प्रमाण दिया। अब देखो ये गोवर्धन धारण लीला में क्या किया, कृष्ण अपने सखियों को साथ में पाया, कोई संदेह नहीं किया। अब हुआ क्या, इन लोग जब पता चला, अरे क्या करो, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोला इंद्र मैं भी ऐसे गलती कर बैठा था, देखो क्षमा पाना बहुत मुश्किल, तुम एक काम कर सकते हो, जाओ गोलोक में सुरभि मैया को ले आओ। सुरभि आगे लेकर के क्षमा मांगो, क्षमा होगी नहीं तो नहीं है, तुम्हारा पद तो गया। क्यों, कृष्ण गौ को अधिक श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तब सुरभि को लेके आए, आके क्षमा मांगा, आकाश गंगा से पानी लाकर सुरभि मैया के स्तन के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करके नाम रखा गोविंद। गोविंद का अर्थ गो का अर्थ गो गो गोपी गोवत्स पृथ्वी वेद इंद्रिय सबको जो आनंद देते हैं वो कौन है, गोविंद। ये सबको आनंद देने के कारण इंद्र उनका नाम रखा गोविंद। प्रश्न हो सकता है तब क्या कृष्ण का नाम पहले गोविंद नहीं था, कृष्ण गोविंद नाम नित्य है। ये तो जो गोवर्धन धारण लीला में इसने जो नाम है किसी किसी कारण से किसी लीला का द्वारा प्रकाश हुआ है, ये तो महाराज जी खुद बता रहे थे। श्रीधर महाराज जी गोविंद लो दामोदर लो माधव लो, तो छोटे थे कृष्ण, कहाँ से आ गया गोविंद नाम, इसलिए गोविंद नाम नित्य है। इसमें मैं दो सिद्धांत दिखा रहा हूँ। इसमें कृष्ण इंद्र के ऊपर बहुत खुश हुए, क्यों, अपने प्रेयसी को आमने सामने पाया इसलिए बहुत खुश हुए। और ब्रह्म मोहन लीला इसका दोनों का मैं सांप्रदायिक सिद्धांत तो सुना रहा हूँ। इधर गोपियों को सामने पाया बहुत खुश हुए। ब्रह्म मोहन लीला में बहुतों का कहना है ब्रह्मा जी गलती के अपराध किया। गुरुदेव कहते नहीं, ब्रह्मा जी तनिक भी अपराध नहीं किया। ब्रह्मा जी के डिक्शनरी में कृष्ण के लिए अपराध करने का सब कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर हमारे गुरु अपराध करेंगे तो सब हम अपराधी बनेंगे, गुरु दोषी हम दोषी बनेंगे, कभी सिद्धि होगी नहीं। देखिए इंद्र से ब्रह्मा के प्रति कृष्ण बहुत प्रसन्न है। जो गुरुदेव से सुना, बाहरी दृष्टि से देख रहा है कि ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न है, किंतु बहुत प्रसन्न अंदर से। क्यों, एक कार्य करें प्रभु कार्य पांच सात,
कृष्ण एक काम के द्वारा बहुत सारे काम कर लेते हैं। ब्रह्म मोहन लीला के द्वारा क्या किया, कृष्ण समस्त सखा बने, तब हुआ क्या, समस्त ब्रज मैया के बेटा बने, जो लोग ब्रज गोपियाँ मातृस्थान गोपीचंद कृष्ण मेरा बेटा बने, उनका इच्छा पूरा किया। दूसरे सब गैया चाहती थी कृष्ण मेरे बछड़े बने, और भी बछड़े बन करके दूध पी रही है, दूध पी रहे हैं कृष्ण। और गर्गाचार्य नामुनस कर दिया, इसमें बहुत सुंदर है, ये सुवर्ण सुजोग है, अमृत योग, महेंद्र योग, अभिजीत मूर्त सब एक साथ आ गया, सब अपने बेटियों को शादी करा दो। सखा कौन बने थे, कृष्ण बने थे। फिर समस्त गोपियों शादी किससे हुई, कृष्ण से। इसलिए इतने सारा काम ब्रह्मा जी कर दिया, इसलिए इंद्र अपेक्षा इसके प्रति बहुत अधिक प्रसन्न है। इसके मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लोग कीर्तन करेंगे, फिर कल हम लोगों का छठवां दिन है, जिसमें रासलीला, गोपी गीत, अग्र ब्रज आगमन, कंसवध भ्रमर गीत काल, ये सब विषय वस्तु हैं। अब गोवर्धन धारण का कीर्तन करो, हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you.
Oh, my God.
हरे 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 हरे